का मिथवा न्यूज पर आप देख रहे हैं खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ लवि गुंबर। गंगा अगर मोक्ष देने वाली है तो यमुना को हमारी संस्कृति में जीवन देने वाला समझा जाता है और इसी यमुना के तट पर दुनिया भर के 155 देशों की संस्कृति का ऐसा संगम होने जा रहा है जिसकी आज से पहले कोई मिसाल नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर श्री श्री रविशंकर जी ने दुनिया को भारत की राजधानी दिल्ली के यमुना तट से शांति और एकता का संदेश देने के लिए ऐसे महोत्सव का आयोजन किया है जिसकी देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सभी की निगाहें यहीं पर टिकी हैं क्योंकि दिल्ली से यमुना तट पर होने जा रहा है दुनिया की 155 संस्कृतियों का संगम। यमुना नदी के किनारे देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा और अनूठा शो होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश विदेश से कलाकार और मेहमान आ चुके हैं। काउंटडाउन जारी है। विश्व संस्कृति महोत्सव को देखने के लिए दुनिया भर की निगाहें इस वक्त दिल्ली के यमुना तट पर लगी हुई हैं। अलग अलग राज्यों की संस्कृति, गीत और संगीत की धुनें भी सुनाई पड़ रही हैं। एकड़ के मंच पर कलाकार जुट गए हैं और सभी को इंतजार है उस पल का जब इस सारी मेहनत और संस्कृतियों का संगम इस विशाल मंच के जरिए दुनिया देखेगी। विश्व संस्कृति महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रेड कारपेट यहां पर बिछ चुका है। इसी रेड कारपेट के जरिए तमाम जो मुख्य अतिथि होंगे वो जाएंगे स्टेज तक और आपको दिखा दें कि स्टेज भी पूरी तरह से सज चुका है। यहां पर हजारों कलाकार बैठ के इस वक्त परफॉर्मेंस की अपनी आखिरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो बजाने वाले कलाकार हों या फिर वो नृत्य में माहिर कलाकार हों। तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर रिहर्सल चल रही है। आपको ये फ्लडलाइट दिखाना चाहूंगा, बड़े बड़े 6 फ्लडलाइट यहाँ पर लगे हुए हैं क्रिकेट स्टेडियम में। आपने इससे पहले इस तरह के फ्लडलाइट देखे होंगे। ये जब पूरी रोशनी फेंकेंगे और साथ में जो लाइटिंग होगी स्टेज के अंदर वो इस पूरे स्टेज को चकाचौंध कर देगी और वो नजारा देखते ही बनेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम यहाँ तो बैठने की व्यवस्था भी की गई है, कुर्सियों की बात करें तो यहाँ पर कुर्सियां भी पूरी तरह से लग चुकी हैं। लगभग 1 से 1.5 हज़ार लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, इतनी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं पूरे मैदान में। इसके अलावा सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस के अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पर स्वयं सेवक भी मौजूद रहेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के लगभग 5,000 उनकी तादाद हो सकती है। और इन सब के साथ साथ जो उत्साह है, जो उमंग है, वो यहाँ के माहौल को देखकर जो यहाँ पर आएगा वो ही इस बात को समझ सकता है। लेकिन इन तैयारियों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और खासकर दिल्ली का जो यमुना तट है वो किस महान महोत्सव का साक्षी बनने वाला है। यमुना ने संस्कृतियों को अपनी गोद में आसरा दिया है और आज यमुना की गोद में ही होगा इन संस्कृतियों का संगम। आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टी बता रहे हैं तैयारियां कितनी खास हैं और ये पूरा महोत्सव कितना विशाल होने वाला है। महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हजारों कलाकार इस वक्त मंच पर बैठकर रिहर्सल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर दिनेश घोड़के जी। बहुत लोगों में उत्साह है, खुशी है और अभी इंतजार है कल का। बिल्कुल, कल का इंतजार सिर्फ आपको नहीं, हमको नहीं, पूरी दुनिया को कल का इंतजार है। यमुना के तट पर कृष्ण ने राज सजाया था, खूबसूरत ताजमहल बना हुआ है। लेकिन अभी अगर यमुना की बात कर रहे हैं तो सबको सिर्फ ये बड़ा मंच याद आ रहा है। इस मंच पर हजारों लोग बैठ चुके हैं, विभिन्न संस्कृतियों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, किस तरह का अनुभव होगा दुनिया वालों के लिए? देखिए, 155 देशों से करीबन 36,000 कलाकार यहाँ पे आए हैं जो स्टेज पे रहेंगे और 60 से ज्यादा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल या डांस के जो परफॉर्मेंसेज है, कल्चरल परफॉर्मेंसेज यहाँ पे होंगे। साथ ही साथ रिलीजियस लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स सब लोग हैं। और ये सच में जैसे आपने कहा, कल्चर का जो भी एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप, यू नो, यू वांट टू सी ऑल द कंट्रीज, ऑल द कल्चर्स, मीट द पीपल, हियर द डिफरेंट लैंग्वेजेस। This, the World Culture Festival is the place to be. दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये संगम होगा, क्या एक ही राग तमाम संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्रों से बजाएंगे? नहीं, अलग अलग जगह, जैसे भारत के जो 7
डांस फॉर्म्स है, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, नो ओडिसी, तो ये सब साथ डांसेस होंगे। साथ ही साथ जो अलग गरबा है गुजरात से या भांगड़ा है पंजाब से, घूमर राजस्थान से, पंथी डांस है छत्तीसगढ़ से, इस तरह से रविंद्र संगीत है वेस्ट बंगाल से, तो ये परफॉर्मेंसेस होंगे। इंटरनेशनली आप देखोगे तो 650 ड्रामर्स आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, फिर वर्लिंग डर्विशेस टर्की से आ रहे हैं, अपना अर्जेंटीना और ब्राज़ील वहाँ का सांबा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिर स्विट्जरलैंड अपना अल्पाइन हॉर्न्स करेंगे, अमेरिका हिप हॉप करेगा, फिर पूरा अरेबिक कंट्रीज 1000 से ज़्यादा लोग अपना अरेबिक डांस यहाँ पे करेंगे, चाइनीज लोग अपना डांस करेंगे, तो इस तरह से एक ही जगह पे सब आपको ये इसका प्रदर्शन होगा, इसका दर्शन होगा। दिनेश जी, क्या अलग अलग दिनों में अलग अलग वक्त में हम देख पाएंगे कि या एक ही दिन सारे प्रोग्राम्स होंगे? नहीं, पूरे ये जो 60 परफॉर्मेंसेज है ये 3 दिन में इसका 3 दिन में होगा ये, और साथ ही साथ दूसरे दिन पे इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरफेथ मीट हो रहा है, तो दुनिया के सभी धर्मों के लोग, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं, वैटिकन से पोप के प्रतिनिधि है, सीरिया से ग्रैंड मुफ्ती वहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग हैं, साथ ही साथ इंडिया के शंकराचार्य भी हैं, फिर अलग अलग अखाड़ाज और मठ के यू नो हेड्स है, फिर पंजाब से वहाँ के हेड आ रहे हैं सिख कम्युनिटी के, ताइवान से धम्मा मास्टर आ रहे हैं, तो इस तरह से ये सब संत आएंगे, सबका आशीर्वाद सब लोगों को एक ही जगह पे मिलेगा। एक व्यक्ति जो इन सब लोगों को 35 लाख लोग या इतने कलाकार अलग अलग तरह के इनको आकर्षित करता है या एक साथ में लाया है, वो है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, यू नो, और ये प्रेरणा स्रोत है, इज द इंस्पिरेशन फॉर दिस होल आर्ट ऑफ लिविंग मूवमेंट, जिसका 35 साल का समारोह ये हम मनाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल, 35 साल पूरे हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आर्ट ऑफ लिविंग लगातार 35 सालों से जुटा हुआ है, विश्व में शांति का संदेश देकर और तनाव रहित माहौल बनाना के चाहता है, और श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में यहां पर 155 देशों से कलाकार आएंगे, लोग आएंगे, और इस मंच से यमुना नदी के किनारे से शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, दिल्ली। तो देश और दुनिया से कुल मिलाकर 35 लाख लोग विश्व संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लेने वाले हैं। लगभग 25 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले इस आयोजन स्थल में आम लोगों के साथ साथ वीवीआईपी मेहमान भी मौजूद होंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे आयोजन का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अहम मुद्दा है। इस पूरे आयोजन की सुरक्षा देख रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा। अगर आप विश्व संस्कृति महोत्सव को देखने की तैयारी कर रहे हैं तो यह पूरी खबर ध्यान से देखिए। मेजर जनरल SP सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शरद अवस्थी ने। विश्व संस्कृति समारोह में 155 देशों के 35 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मसला है, और सुरक्षा के कमान संभाल रहे हैं मेजर जनरल SP सिन्हा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका MH1 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बड़ा मसला होगा क्योंकि 35 लाख लोगों की सुरक्षा देखनी है, क्या खास प्रबंध होने वाले हैं? देखिए, ये पूरा जो वेन्यू है वो 27 एकड़ में है और 7 एकड़ में ही स्टेज बन रहा है, तो मेरा ख्याल है विश्व में पहली बार ये सबसे बड़ा स्टेज बन रहा है और गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये अपना नाम दाखिल करने जा रहा है ये इवेंट, और इतना बड़ा जो एरिया में जब हो रहा है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने पूरे एरिया वेन्यू को 18 जोन्स में बांटा है और हर एक जोन्स का हमने एक टीम लीडर बनाया है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे करीब 4000 से ज़्यादा आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स इस टीम में हासिल हैं। इनकी NDRF के द्वारा इनकी कैजुअल्टी वैकेशन की ट्रेनिंग दी गई है। करीब 170 CCTV इंस्टॉल किए गए हैं और पूरे एरिया को सर्वेलेंस में रखा जाएगा और करीब 30 से 50 CCTV PTZ पॉइंटेड जूम लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इंडिविजुअल चेक हुआ है, डॉग स्क्वाड के द्वारा फ्रिस्किंग हो रही है और हम DFMD लगाने जा रहे हैं जहां पर इंक्लोजर्स में जो भी आदमी आता है उसकी फ्रिस्किंग होगी। तो आप देखिए तो सुरक्षा का सब तरफ से मतलब सतर्कता दिखाई गई है और हम यहां के जो अपने इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IB हो चाहे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके साथ एवरीडे बेसिस पे मीटिंग होती रही है। एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग भी हुई है, कई बार साइट पे भी मीटिंग हुई है, तो और उन्होंने CPWD ने भी यहाँ के स्ट्रक्चरल डिजाइन को देखा है। NDRF के द्वारा कैजुअलिटी वैक्सीनेशन के भी
की बात हुई है और ग्राउंड पे ट्रेनिंग दिया गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है सुरक्षा की, तो हम सब तरह से सतर्क हैं और जो उनके जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसमें एसपीजी छोड़ा के और कोई नहीं आ पाएगा। और एक घंटा पहले जैमर वगैरह ऑपरेटिव हो जाएंगे और उनको ने जो रूट लेना है वो रूट को पूरी तरह से ब्लॉक किया कर दिया जाएगा। जहां तक आम जनता का बात है तो पॉन्टून ब्रिज से वो आएंगे गेट नंबर 10, 11, 12, 13 से। सर एक बात और भी, क्या आसमान से भी सुरक्षा रखी जाएगी, निगाह रखेंगे? देखिए पुलिस सोच रही है कुछ ड्रोन्स के द्वारा पूरा एरिया सर्वेलेंस करने के लिए, उसका फैसला जल्दी ही होने वाला है। एक खास बात और, 35 लाख लोग आने वाले हैं, एक साथ कितने लोग इस पूरे मैदान में बैठ सकते हैं? देखिए 27 एकड़ में जमीन है, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट्स है, लेकिन जैसे देखा जाता है कि जब इस तरह से प्रोग्राम हो और लोगों की उत्सुकता बढ़ती है और लोगों का जो है जोश बढ़ता है तो नफरी ज्यादा भी हो सकती है। तो मैदान काफी खुला है, सिटिंग इंक्लोजर के अलावे भी होल्डिंग एरिया है, स्पेस है जहां पे लोग खड़े होकर भी और बैठ के भी प्रोग्राम देख सकते हैं। सर आम लोग के एंट्री जो है वो यमुना ब्रिज की तरफ से है, 3 पंटून ब्रिज वहां पे बने हुए हैं, तो क्या यमुना में भी सिक्योरिटी की कुछ व्यवस्था रहेगी? भगदड़ होती है तो ऐसे में कुछ लोग वहां पर बचाने के लिए? देखिए हर एक 5 गज पे हम अपना वॉलंटियर पंटून ब्रिज में डालने जा रहे हैं और एनडीआरएफ की तरफ से 12 बोट पोजिशन होने जा रहा है पॉन्टून ब्रिज के बाएं, पॉन्टून ब्रिज के दाएं, तो और कुछ डाइवर्स भी होंगे। तो इस तरह से एक पॉन्टून ब्रिज का भी मैनेजमेंट जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति भी यहां पर आ रहे हैं, कुछ पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनके लिए कुछ खास व्यवस्था? उनके लिए देखिए जो वीवीआईपी एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है, एसपीजी का वहां ड्यूटी तैनात किया गया है, तो वो बिना एमईए के क्लियरेंस के, बिना आइडेंटिटी स्टेटस जाने हुए, बिना उनके आइडेंटिफिकेशन के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आ पाएगा उन गेट्स। सुरक्षा बलों की संख्या की बात करें तो क्या संख्या होगी, कितने सुरक्षा बल यहां पर तैनात होने वाले? देखिए सुरक्षा दृष्टिकोण से ये नंबर बताना उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस, एसपीजी, सीआईएसएफ और भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सरकार की सोच सही है कि इस देश का हर एक व्यक्ति की जान अहम है और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि किसी को भागदौड़ में या किसी भगदड़ में किसी को जान गंवाना पड़े। तो इसके लिए सरकार, आर्ट ऑफ लिविंग, पुलिस, सब हम लोग इस पर तवज्जो दिए हैं और ये ध्यान दे रहे हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें किसी को अपना हाथ घुमाना पड़े। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो जनरल सिल्हा साहब, आप यहाँ पर बता रहे थे कि बहुत बड़ा प्रबंध करना है, लेकिन पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि वीवीआईपीज भी यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से भी पूरे आयोजन स्थल पर निगाह रखी जाएगी। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ शरद अवस्थी, एमएचएन न्यूज, दिल्ली। तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा यह कार्यक्रम है उतनी ही बड़ी यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खास पेशकश जारी है, मिलते हैं छोटे से।